बसमिल दिस इज़ सज़ कुकिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय किचन वीयर्स आज बहुत ही एक ज़बरदस्त सा डिज़र्ट मैं आप लोगों के लिए तैयार करने लगी हूँ ये बनाना नहायत ही आसान है सिर्फ़ एक कप दूध से यह डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ दिखाई जाती हूँ साथ साथ हम काम करते जाते हैं एक पैन एक पतीली ले लें इसके अंदर एक कप दूध डाल दें ये तकरीबन टू फिफ्टी एम एल के बराबर है इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर टू टेबल स्पून के बराबर लिया ये इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क टू टेबल स्पून के बराबर है ये इसमें ऐड कर दें वन फोर्थ कप इसमें चीनी जाएगी ये डाल दें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने वनी एसेंस लिया है ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें अच्छी तरह मिक्स करना है किसी किस्म का कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब हम इसकी कुकिंग करेंगे ये देखें इतना ये गाढ़ा हो गया अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे अब ऐसी डिश लेके जिसमें हमने सर्व करना है उसमें मैं पहले बिस्किट्स की लेयर लगा दूँगी अब ये इसकी लेयर लगा देंगे जो हमने पका के रखा है मिक्सचर इसी तरह सेकंड लेयर लगा देंगे बिस्किट्स की अच्छी तरह से इस तरह साफ़ करके सारी चीज़ को इस्तेमाल किया करें ज़रा भी ज़ाया ना जाए कहीं इससे खाने में बरक़त होती है अब इसको अच्छी तरह बराबर इस तरह इसकी तय लगा दें कोकोनट पाउडर मैंने लिया है वो इस पर थोड़ा सा इस तरह डाल दें सारे ऊपर अब मैं इसे ठंडा होना रखूँगी तकरीबन मैंने एक कप के बराबर विपिंग क्रीम ली है ये इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है ये इसमें ऑलरेडी शुगर मिक्स है इसको विप कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा मैं रेड कलर इसमें डालूँगी ताकि पिंक कलर बन जाए इसका ये देखें क्रीम जो हमारी है इसकी स्टिफ पीक्स बन गई हैं अब हमने जो बैटर ठंडा होना रखा था उस पे इस क्रीम को मैं डालूँगी अब ये जो क्रीम हमने बनाई है ये इस पे डाल देंगे और इसको सारे पे इस तरह स्प्रेड कर दें इस तरह अच्छी तरह इसको स्ट्रेट कर दें ऊपर से कोकोनट पाउडर ऊपर थोड़ा सा डालें देखने में ख़ूबसूरत लगता है अब इसको फ्रिज में आप एक घंटे या दो घंटे के लिए रखें और फ्रीज़र में आप पंद्रह से बीस मिनट रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चॉकलेट चंक्स जो हैं ये भी थोड़े ऊपर डाल दें देखने में बहुत ख़ूबसूरत लगते हैं व्ययर्स तो सिर्फ एक कप दूध के साथ इतना ज़बरदस्त डिजर्ट रेडी है उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो आपने इसको ज़रूर लाइक और शेयर करना है और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस तरह की मुख्तिर और आसान सी डिशेस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि जैसे ही मेरी नोटिफिकेशन आए रेसिपी की तो आपको साथ साथ मिलती रहे बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़